अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू भारत किचन। आज मैं चिकन हरीसा की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, मैंने 1.25 किलो चिकन लिया है, अरे हड्डी वाला लिया है, आप बोनलेस भी ले सकते हैं। और इसको अच्छे से धोकर रखेंगे। और 1.25 किलो मैंने दलिया लिया है यानी लापसी। ये देखिए, इसको भिगना रखा है। इसमें छड़े हुए गेहूँ यूज़ होते हैं, हरीसा है अरबियन डिश, लेकिन मेरे मुझे छड़े हुए गेहूँ नहीं मिले तो मैंने दलिया लिया है। ये भी गेहूँ का ही रहता है, सेम टेस्ट आता है उसका, और सेम ही है, सिर्फ ये थोड़ा बारीक रहता है। तो इसको हम लोग भिगने रखेंगे 1 घंटे के लिए कम से कम, इसमें बिरिस्ता जाएगा। और इसमें मसाले बहुत कम जाते हैं। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन लिया है बारीक कट करके, 1 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर, 2 मीडियम साइज़ के प्याज को इस तरह बड़ा बड़ा कट करके लेंगे, और कुछ खड़े खड़े मसाले, 2 टुकड़े दालचीनी के, 2-3 इलायची, काली मिर्च, इसमें बहुत कम मसाले जाते हैं, और नमक। इसमें अदरक वगैरह भी नहीं जाता है, लेकिन मैं इसको थोड़ा अपने तरीके से बना रही हूँ थोड़ा टेस्ट आने के लिए, और ये बहुत मज़ेदार बनता है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने कुकर में चिकन को डाल दिया है, और इसमें मैंने पानी डाला है 3 गिलास, नमक डालेंगे, ये खड़े गरम मसाले डालेंगे, प्याज, और ये अदरक लहसुन डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसमें बटर भी जाता है, मेन बटर है इसमें, बटर या आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। अच्छे से मैंने मिक्स करके लिया है, इसको कुकर को लगाएंगे और अच्छे से चिकन को गला कर लेना है। देखिए, चिकन मैंने बॉईल करने रखा था, अच्छे से बॉईल हो गया इस तरह से। अब इसमें से हम लोग ये पीस निकाल कर लेंगे, और इसके रेशे करने हैं, हड्डी अलग करेंगे और गोश्त अलग करेंगे। इस तरह से हम लोग एक एक पीस निकालेंगे। सारे हम लोग निकाल कर लेते हैं। ये मैंने सारे पीस निकाल कर लिए, इसको हम लोग कितने अच्छे से गल गया। इस तरह से हम लोग इसको रेशे करके लेंगे। ये देखिए, इसकी हड्डी अलग करेंगे। सारे करके लेने के बाद फिर आगे का प्रोसीजर बताती हूँ। देखिए, मैंने चिकन के सारे रेशे इस तरह से बना कर दिए। अब फिर से हम लोग इसको कुकर में डालेंगे। जितना आप थोड़ा इसमें ज़्यादा गोश्त रहेगा उतना टेस्टी बनेगा। तो मैंने 1.25 किलो लापसी के दलिए के लिए मैंने 1.25 किलो चिकन लिया है। देखिए कितना सारा, और ये हमारा दलिया भी भीग चुका है, तो ये भी इसी में डालेंगे। काली मिर्च पाउडर डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। अब इसको पकने के लिए छोड़ेंगे, अच्छे से गलाना है इसको, दलिया बहुत अच्छे से गलना चाहिए। इसको मैं कुकर लगाकर अभी पकने के लिए छोड़ती हूँ। ये देखिए, हमारा हरीस अच्छे से पक चुका है, आप देख सकते हैं। इसको मैंने अच्छे से घोट कर लिया है पकने के बाद, इस तरह से गाढ़ा होना चाहिए, यार ये गाढ़ा नहीं रहता है, इस तरह से थोड़ा सा स्टिकी ऐसा। ये देखिए, इसको और 5 मिनट पकाएंगे, अच्छे से घोट कर लेना। जब ये पक जाएगा, आप दाल घोटनी या चम्मच से इसको इसी तरह से ऐसा घोट घोट कर ये कर सकते हैं। अभी देखिए कुछ भी नहीं, पूरे रेशे वगैरह सब अच्छे से गल चुके हैं। अभी हमारा हरीस तैयार है। अब इसको सर्व करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, मैंने एक बड़े बाउल में इसको सर्व किया है, और मैंने आपको बताया था इसको बटर लगेगा, तो मैंने 2 से 3 बड़े चम्मच बटर लिया है। उसको मेल्ट करके लेंगे, इसमें आप जैतून का तेल भी डाल सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से इसको अच्छे से फैलाना है। आपकी मर्ज़ी, आप जितना चाहे इसको डाल सकते हैं।
और इस पे गिरिस्ता डालेंगे। और नींबू निचोड़ कर इसे खा सकते हैं। ये देखिए हमारा मज़ेदार और टेस्टी चिकन हरीस बनके तैयार है। ये अरबियन रेसिपी है और एकदम लाइट बनता है लेकिन बहुत ही डिलीशियस बनता है। आप लोग ये ज़रूर ट्राई करना, मुझे कमेंट करके बताना आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो चलिए, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़।